हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, ये एक चाइना चेचिस का टीवी आया है जिसमें आवाज़ बिल्कुल ओके आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है और इस तरह से कलर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस टीवी में क्या फॉल्ट है देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का फॉल्ट ESD से आता है तो हम सबसे पहले इसका जो ESD से जो आउटपुट सप्लाई आता है, जो हाई वोल्टेज होता है रेड वायर, तो सबसे पहले उसको चेक किया, जो कि ये बेस जो ट्यूब का बेस होता है, इसमें जो रेड वायर है इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है, इसमें स्पार्क होता है जिसकी वजह से ये काला हो गया है। देखिए ये पॉइंट, ये ख़राब ये पॉइंट इसमें स्पार्क होके काला और डस्ट जैसा जम गया है, तो इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो इसकी वजह से ही सामने कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। पिक्चर ट्यूब में हाई वोल्टेज का सप्लाई यहाँ से जाता है तभी पिक्चर दिखाई देता है। तो इसके लिए मैं पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ। देखिए ये हल्का सा इसका साइड से टूटा हुआ भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो बेस है उसका तो प्रॉपर बैठ जाता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस बेस में। तो ये बेस हमें देखना पड़ेगा निकाल के, इसका जो रेड वायर लगा है इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है, और ये जो इसमें पिन है वो भी काला पड़ा हुआ है। पीछे से तो सभी PCB ओके दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको एक बार खोल लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए मैंने इसको खोला है और ये देखिए इसमें जंग लगा हुआ है और लगता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ख़राब हो सकता है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको पहले डिसोल्डरिंग करके निकाल लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि नया वाला बिठा कर। तो ठीक है, मेरे पास इसका दूसरा है नया वाला, तो इसको सबसे पहले तो निकालता हूँ। तो मैं कैमरे को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, उसके बाद निकाल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको निकाल दिया है ये। तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने के बाद हमें कुछ इसमें दिखाई दिया है, ये जो स्पार्क हो रहा था इसके पीछे से, देखिए ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैक इसका स्पार्किंग है हाई वोल्टेज का, जो कि इसके PCB पे एक पॉइंट पे स्पार्क होके जा रहा था। तो ये बेस ही ख़राब था इसलिए इसको निकाल दिया है, और इसका फॉल्ट भी हमें दिखाई दिया है। तो ठीक है, अब इसमें दूसरा बदल देते हैं, ये ख़राबी है इसको निकाल दिया है। तो ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नया वाला है, ये इस नया वालों को उसमें डाल देते हैं, उसके बाद में इसको लगा देंगे इस तरह से, सोल्डर कर देते दोस्तों। तो ठीक है, मैं सोल्डर कर देता हूँ उसको कैमरा बंद करके, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने सोल्डर कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर अच्छे से सोल्डर कर दिया। इसका जो रेड वायर है उसको भी अच्छे से जॉइंट करना है सभी पॉइंट को, और सही से जैसा लगा था वैसे ही लगाना है दोस्तों। उसके बाद में मैं इसको पिक्चर ट्यूब में लगा देता हूँ। तो ये लगा दिया है मैंने पिक्चर ट्यूब में, और इसको अभी पावर देख के देखते हैं। तो पावर देने के बाद में हमारा TV ऑन हो गया है, अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये पिक्चर में लाइट आ रहा है पूरा, थोड़ा आपको ब्लिंक करता नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा कैमरे की वजह से है। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं फोकस
फोकस इसका मैंने पहले ईस्ट को ऐसे ही कम ज़्यादा करके देखा, जिसकी वजह बिगड़ गया है, तो उसका फोकस मैं एडजस्ट कर देता हूँ। फोकस एडजस्ट करने के बाद में देखिए हमारा पिक्चर किस तरह से ओके हो गया है। तो दोस्तों, मैं बाकी यूट्यूबर की तरह ये वोल्टेज वो वोल्टेज सभी ये दिखा के टाइम वेस्ट नहीं कर चाहता, इसलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बेस पे जाके उस पर काम करके जो फॉल्ट दिखा उसको सही करके टीवी को ओके करके दिखाया है। दोस्तों, इसमें हमें कोई वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को सीधा डायरेक्ट ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो हमारा वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और हमारे वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, बाय।